आज हम बात कर रहे हैं गूगल के करंट सीईओ सुंदर पिचाई की, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान का सिर इतना ऊंचा कर दिया है कि आज रियलिटी में पूरी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में सबसे पहले अगर किसी टेक्निकल हिट का नाम आता है तो वो सुंदर पिचाई का ही है। आज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी पर उन्हीं का ही राज है। इनको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलाने के लिए जहां उनके फादर की पूरी एक साल की कमाई तक लग गई थी, आज वो हर दिन एक रोल्स रॉयस ही नहीं बल्कि इससे भी कई महंगी कार्स को खरीद सकता है। सुंदर पिचाई के पिता एक टेक्निकल इंजीनियर थे, जिस वजह से उन्हें भी टेक्निकल डिवाइसेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। 12 साल की उम्र में तो अपने घर का एक टेलीफोन खोलकर उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशंस भी की थी। सुंदर पिचाई की मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प थी कि उन्हें 500 से भी ज्यादा नंबर्स मुजबानी याद थे। पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट ये पहले से ही थे और 12th के साथ इन्होंने IIT का एग्जाम भी क्रैक करके IIT खड़गपुर में एडमिशन ले लिया था। पर यहाँ पर भी उन्होंने किसी टेक्नोलॉजिकल या फिर कंप्यूटर साइंस में नहीं बल्कि सुंदर पिचाई ने मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग को ही चूज किया। जी हाँ फ्रेंड्स, गूगल का हेड मेट्रोलॉजी ब्रांच से ही पढ़ा हुआ है। अपना टेक कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मास्टर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को चुना। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों ने पढ़ाई की है। और यहां पर भी उन्होंने किसी सॉफ्टवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट में नहीं बल्कि अप्लाइड मटेरियल साइंस में एडमिशन लिया। इसका सरल और सीधा मतलब ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के जो सीईओ है उनका एक्चुअली बैकग्राउंड ही नहीं है कंप्यूटर साइंस और IT में। अपने मास्टर्स के बाद इन्होंने मैकेंजी में एज अ कंसल्टेंट भी काम किया है और वही इन्हें प्यार हो गया इनकी जो करंट वाइफ है अंजलि से। पर उनकी दुनिया तब बदली जब 2004 में सूरज पिचाई ने गूगल को ज्वाइन किया। उस समय इंटरनेट यूज करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट का बिंग नामक सर्च इंजन काफी यूज हुआ करता था, मगर ये लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे। सुंदर पिचाई क्योंकि एक इंडियन है, वो जानते हैं कि कितना जरूरी होता है किसी भी चीज का लाखों करोड़ों लोगों के लिए यूजफुल होना। इसी वजह से उन्होंने उस समय के सीईओ एरिक को ये प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम अपना एक खुद का ब्राउजर बनाएं जिसे यूज करना लोगों के लिए बहुत आसान हो। बट एरिक को सुंदर पिचाई का ये आइडिया पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। पर सुंदर पिचाई ने हार नहीं मानी और उन्होंने ये प्रपोजल गूगल के जो ओनर है लैरी पेज उन्हें बताया। लैरी पेज को सुंदर पिचाई का ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसी के साथ लॉन्च हुआ क्रोम। तब गूगल ने हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अपने क्रोम में हर तरह के अपग्रेडेशंस दिए। पर पिचाई यही तक नहीं रुके, उन्होंने कई सारी चीजों को इजीली अवेलेबल करने के लिए गूगल का क्रोम कास्ट या क्रोम OS भी लॉन्च कर दिया। एक इंडियन के इस धमाके की वजह से पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड डिपार्टमेंट भी हिल चुका था। इसी वजह से उन्हें गूगल का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्रोम के लॉन्च होते ही बाकी जितने भी सर्च इंजन और जितने भी प्लेटफॉर्म थे वो काफी तेजी से धूल चाटने लगे। उसी समय माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर ने तक सुंदर पिचाई को सीईओ पोस्ट के लिए ऑफर दिया था, पर उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और फिर सुंदर पिचाई की प्रतिभा को देखते हुए गूगल ने अपने टेक्निकल इवेंट्स में सुंदर पिचाई को लॉन्च किया। धीरे धीरे सुंदर पिचाई गूगल का उभरता हुआ चेहरा बन गए। पर सुंदर पिचाई यहाँ तक भी नहीं रुके, उन्होंने फिर एंड्रॉइड में मॉडिफिकेशंस करके उसे काफी सस्ता करके एंड्रॉइड 1 लॉन्च किया और गूगल 1 लॉन्च करने से ही 5 बिलियन लोगों को सुंदर पिचाई ने गूगल से जोड़ दिया था। इतनी बड़ी कामयाबी की वजह से गूगल ने अनाउंस कर दिया कि सुंदर पिचाई ही गूगल के सीईओ बनेंगे और 10 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई ऑफिशियली गूगल के सीईओ बने और अभी भी है। अगर हम उनकी इनकम की बात करें तो फिर 2018 में 1150 करोड़ का उनका पैकेज था, जो बढ़कर 2019 में 2150 करोड़ हो गया था और 2020 में तो वो बढ़कर 5 करोड़ रुपए पर डे तक हो गया था और तो और 2021 में वो 8 करोड़ रुपए पर डे तक कमाने वाले हैं। मतलब कि वो हर दिन एक से भी ज्यादा रोल्स रॉयस को खरीद सकते हैं। और सुंदर पिचाई जैसे ही लोग साबित करते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हो, बस फर्क इस बात से ही पड़ता है कि आप किस बुलंदी तक जाना चाहते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।